हेलो गाइस, आज हम सुनेंगे लव स्टोरी एडम एंड ईव। दोस्तों, ये वही एडम एंड ईव हैं जिन्हें कहा जाता है कि जब इस दुनिया की रचना हुई तो सबसे पहले जो इंसान इस दुनिया में आए वो थे एडम एंड ईव। दोस्तों, इनकी लव स्टोरी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है और थोड़ी दर्दमय भी है, पर आप इसे सुनिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी लव स्टोरीज वीडियो ला सकें। तो गाइस, शुरू करते हैं हम एडम एंड ईव की लव स्टोरी। दोस्तों, एडम एंड ईव जो थे वो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। इनकी लव स्टोरी जानने के लिए एंड तक पूरा पढ़ भी सकते हैं, हमारा ब्लॉगर है, आप देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा पॉडकास्ट है रिलेशनशिप हेल्प बुक, जहाँ पर आप मल्टीपल लव स्टोरीज देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस दुनिया को जब भगवान ने बना दिया तो उन्हें सुकून नहीं मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बना दी, पर ये सारी चीज़ें एक तरीके से पेड़ पौधे हैं, जानवर है, सब कुछ है, पर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ उनका। तो उन्होंने क्या किया, खुद का ही एक अंश लिया, मतलब एक स्मॉल पार्ट लिया अपना खुद का ही, और उन्होंने एक इंसान को बना दिया जिसका नाम था एडम। एडम जो था वो इस दुनिया का सबसे पहला इंसान था। एडम को जब इस दुनिया में भेजा गया तो एडम ने इस दुनिया का बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया, क्योंकि वो पहला इंसान था और इस दुनिया में पहली बार उसने नई चीज़ देखी थी। पर हुआ ये कि वो अकेला जब रहता रहा तो वो काफ़ी बोर होने लग गया, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर आपको भी किसी जगह अकेला छोड़ दिया जाए कुछ टाइम तो आप अच्छा इन्जॉयमेंट करेंगे, पर उस इन्जॉयमेंट के बाद आप सच में बोर भी होंगे। तो सेम वही चीज़ हुई यहाँ एडम के साथ। तो एडम का अकेलापन देख के जो भगवान थे उन्होंने ईव को भी भेज दिया। ईव फीमेल थी और उनके साथ एडम की काफ़ी अच्छी बाउंडिंग रही। ईव एंड एडम साथ में घूमते रहे और बहुत मज़े करने लगे। गॉड ने एडम और ईव से कहा कि तुम दोनों कभी भी, एक पेड़ था जिसमें एप्पल्स लगे हुए थे, तो गॉड ने उन दोनों को मना किया कि तुम दोनों कुछ भी हो जाए बट तुमने एप्पल को नहीं खाना है। और एडम और ईव की जो बात, उन्होंने एग्री कर ली भगवान की बात को कि ठीक है, और आराम से अपनी लाइफ को वो जीने लगे। पर दोस्तों, जब ये बात गॉड ने उनसे कही कि एडम और ईव आप दोनों को ये एप्पल नहीं खाना है, वहाँ पर एक स्नेक था दोस्तों। उस ज़माने में स्नेक्स के लेग्स हुआ करती थी, आज के ज़माने में तो हमें नहीं होती है और ना हमने कभी देखी है, पर उस ज़माने में जो स्नेक होते थे उनकी लेग्स हुआ करती थी और वो लेग्स से ही चला करते थे, जैसे आज ह्यूमन बींग चलते हैं। तो ये बात जो बताई गॉड ने कि एप्पल नहीं खाना है, वो बात स्नेक ने भी सुन ली। तो हुआ क्या, एडम और जो ईव थे उनको ये जो स्नेक था ये बोलने लगा कि आप इस एप्पल को खाए, और उन्होंने उनको कहा कि अगर आप इस एप्पल को खा लेंगे तो आपका दिमाग, आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, आपका दिमाग चलने लग जाएगा, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो हुआ क्या, एडम और ईव ने वो एप्पल खा लिया सांप की बातों में आके। और दोस्तों, जो आप जानते हैं कि जब फर्स्ट ह्यूमन से इस दुनिया में आया तब वो क्लोथ्स नहीं पहना करते थे, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं थी, पर जैसे ही उन्होंने एप्पल खाया उन्हें लगा कि हम तो बिना कपड़ों के हैं, तो उन्होंने कुछ जो ट्रीज़ होती हैं उनकी लीव्स लेके खुद को ढक लिया। तो जब गॉड आए उनसे मिलने एडम और ईव से, तो उन्होंने देखा कि जो एडम और ईव ने उन्होंने अपनी बॉडी को ढक रखा है लीव से। तो गॉड समझ गए कि उन्होंने, एडम और ईव जो थे उनकी, उन्होंने एप्पल खा लिया और स्नेक को ही बुलाया, क्योंकि गॉड तो सब जानते हैं। गॉड ने स्नेक से कहा, मेरे मना करने के बाद भी तुमने इनकी एप्पल इनको एप्पल खाने को कहा। तो भगवान ने उसने इसको श्राप दे दिया, श्राप ये दिया उनको कि तुम ज़िंदगी भर अपने ही शरीर को घसीटते चले जाओगे। हम जैसे हम बताए रहते कि उस टाइम जो स्नेक्स हुआ करते थे उनकी लेग्स नहीं हुआ करती थी, उसके बाद से स्नेक्स को श्राप मिल गया कि अब आपको बिना लेग्स के ही चलना है और घसीटते हुए चलना है, मतलब पूरी बॉडी को आप घसीटते हुए चलेंगे। उसके बाद गॉड ने एडम और ईव जो थे उनसे कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और एक स्नेक की बात सुन के एप्पल खा लिया। एडम, तुम ज़िंदगी भर एक बोझ उठाते रहोगे और मेहनत करके अपने परिवार के लोगों का पेट पालोगे। और ईव से कहा, तुम एडम के साथ
रह के 9 मंथ तक दर्द सहोगे जिससे तुम बेबी बॉर्न कर पाओगे। ये कहकर गॉड वहाँ से चले गए। उस वक्त से आज तक मेल अपनी पूरी लाइफ इस स्ट्रगल में ही निकाल देता है और मेहनत करता है अपनी लाइफ पालने के लिए, और एक फीमेल उसका साथ देकर घर चलाती है और घर को आगे बढ़ाने में उसकी ज़िंदगी पूरी लग जाती है और साथ में बेबी बॉर्न करती हैं। तो दोस्तों, ये थी एडम और ईव की बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप किसी और की स्टोरी सुनना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी वो वाली स्टोरी भी जल्दी से जल्दी पोस्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।